So this is Hotel Lunar जहाँ पे हम लोग ने अभी lunch finish किया है. Okay, कल रात तो नहीं दिख रहा, तो I'm just showing it right now. And वो है कुंगा रेस्टोरेंट जहाँ पे ऑलरेडी लाइन है, आप देख ही सकते हो. तो इसलिए हम लोग ने लंच का मेन्यू जो है शिफ्ट कर लिया है. एंड ऑल्सो हम लोग अभी जाएंगे थोड़ा यहाँ वहाँ घूमेंगे, एंड रात का पता नहीं क्या डिसाइड होगा, बट टाइम है फिलहाल तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है. सो हमारा लंच हो चुका है, एंड राइट नाउ वी आर प्लानिंग, मतलब हम लोग प्लान करें दार्जिलिंग स्टेशन जाने के लिए, मैं और ओबी, एंड उसके बाद जाएंगे ना दार्जिलिंग स्टेशन जाएंगे, वॉकिंग करते चले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है. बट मामा मामी और मम्मी वो लोग जाएंगे टी पैकेट्स खरीदने को. सो वो लोग अलग पार्टी बना लिए, एंड वो लोग खरीदने जा रहे हैं, एंड हम लोग अलग बैच बना के हम लोग जा रहे हैं अलग घूमने. सो यस, स्टे ट्यून विद अस. सो यहाँ पे हम लोग अभी वॉकिंग कर रहे हैं. सो ये पीछे वाला जो रास्ता था वो मेल का रास्ता था, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ. एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्लॉक टावर, ठीक है, दार्जिलिंग का क्लॉक टावर, ठीक है. एंड यहाँ पे सब क्या बोलते हैं, नॉर्मल छोटे मोटे शॉप्स है. एंड दिस इज द एंट्रेंस फॉर चौरस का महल, एंड यहाँ पे ऐसे काफी छोटे मोटे आइटम्स मिलते हैं. ये रहा, पास से दिखा देती हूँ आपको क्लॉक टावर. ये देखिए, ये रहा एक मॉल दार्जिलिंग में. सो इसका नाम है द रिंक मॉल. यहाँ पे बिग बाजार भी है, तो ये एक मॉल है यहाँ पे, ठीक है. वरना तो स्ट्रीट शॉपिंग ये सब छोटा मोटा शॉप्स होगा, वरना यहाँ पे होगा ये रिंक मॉल. द रिंक मॉल, 19 लरेंगा रोड, दार्जिलिंग. ये सो ऑन द वे में जो जो भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस होगा मैं आपको दिखा रही हूँ. एंड यहाँ पे आसपास में से नॉर्मल शॉप्स, आउटफिट्स का शॉप्स ही ज़्यादा है, एंड होम डेकोर का, होम डेकोर के आइटम्स ये सब ज़्यादा है. एंड यस, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स ये तो होंगे. सो ये एक होटल है माउंट कॉनिफर सूट्स, ये भी काफी अच्छा है. ऑन द वे रिंक मॉल के वे में ही, सो यहाँ से हम लोग एक गली लेंगे, ये एक शॉर्टकट है जाने का. की बोलो. सो यहाँ पे है ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन, एंड ये है वो स्टेशन यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग जाएंगे टू दिस वन. तो यहाँ पे टॉय ट्रेन्स, जॉय राइड्स, जो भी ट्रेन है हो सकता है. सो दिस इज वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन इट्सेल्फ. यहाँ पे एक मॉडल है बताशा लूप का, जैसे नॉर्मली होता है ना, एक मॉडल, एक लाइव मॉडल लाइव होता है, और एक एक ऐसे मॉडल होता है. और यहाँ पे जो नॉर्मल स्टोर्स है, ये है एक रिजर्वेशन काउंटर, एंड यहाँ पे है वेटिंग, और ये है ट्रेन टाइमिंग्स. सो यहाँ पे जलपाईगुड़ी का भी ट्रेन टाइमिंग्स है, एंड यहाँ पे है टॉय ट्रेन्स के रेल लाइनिंग्स,
एंड ये है स्टेशन, वहाँ पे है एक टॉय ट्रेन, दिखाती हूँ। दिस इज द असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर रूम, और आई थिंक और भी कंस्ट्रक्ट होगा इसलिए बैम्बूज लगा हुआ है। यहाँ पे है वेटिंग रूम, एंड यहाँ है चाय की दुकान, एंड यहाँ पे नॉर्मल ऐसे जो हुसे से होते हैं बड़े बड़े स्टेशन में, टी बिस्किट स्नैक्स का दुकान। ये एक मॉडल, ठीक है, ट्रेन का एक मॉडल है ये, एंड ये है रियल वाले जो मैं सामने से दिखाऊंगी। ये है रियल वाला। सो दिस इज द स्पेशल बोगी जहाँ पे वो लॉक है। सो यहाँ पे है ऐसे पर्दा दवा रहता, पर्दा दिया हुआ है, एंड यहाँ पे ऐसे सीटिंग्स है। नॉर्मली यहाँ ये ट्रे यूज होता है शूटिंग्स के लिए, ठीक है। आई होप यू कैन सी, सॉरी रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं कैप्चर हो पा रहा है, बट ये एक एक्चुअली मॉडल है, बिकॉज ये सीटिंग अरेंजमेंट अलग है एंड वो लाइव वाले सीटिंग अरेंजमेंट्स अलग है, ठीक है। अगर आप पास से देखोगे तो सीटिंग्स इज डिफरेंट, और ये है मॉडल के मतलब मॉडल का, बट यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली शूटिंग्स होता है, ठीक है। एंड ये है नॉर्मल इंजन, ओके, ये है नॉर्मल जैसा लाइव लाइव सीटिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। सो यही है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन का लुक। ट्रैफिक है बिकॉज माइट बी पीपल आर कमिंग फ्रॉम टू विजिट दार्जिलिंग। सो ये रहा ट्रेन, एंड वहाँ भी व्यू बहुत अच्छा होगा, मैं सामने से दिखाती हूँ। देखिए जो टॉय ट्रेन का रेल होता है वो काफ़ी नैरो और स्मॉल पैसेज होता है, देखिए काफ़ी स्मॉल। कल हम लोग ने आते वक्त देखा था बट आज अभी विजिबल नहीं है कोई भी। सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो एक मॉनेस्ट्री होगा वो वाला, एंड ये रहा लुक। देख ही सकते हो घर ऊपर, वन बाय वन सारे घर है। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है दार्जिलिंग ट्रिप में, एंड ये व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, नज़ारा, एंड ऑल्सो ये जो टॉय ट्रेन का सीन है, चढ़ने को तो नहीं मिला बट या देखने का भी अलग मज़ा होता है, बिकॉज ऑफकोर्स ना लाइव में जो भी हम देखते हैं एंड पिक्चर में जो होता है काफ़ी डिफरेंट होता है। लाइव में जब देखते हैं तो सीरियसली इट्स सो ओवरवेलमिंग एंड बहुत बहुत खुशी देता है, लाइक वाओ सच में देख लिया है हम लोग ने। सो दैट्स अ प्लेजर, नाइस प्लेजर टू सी दीज टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस। पता नहीं आगे कब होगा बट या फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मे बी नॉट द लास्ट, आप सबके लिए आई एम जस्ट शोइंग यू अराउंड व्यू ऑफ द दार्जिलिंग हिमालयन स्टेशन। सो ये है डीजल इंजन, एंड ये है स्टेशन का नाम एंड ऑल एवरीथिंग। ये है एंट्रेंस, ठीक है, एंड जो दार्जिलिंग लोको शेड है वो है वहाँ पे, वो वाला, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पास से। सो हम लोग यही वे फॉलो करेंगे यहाँ से जाके, एंड सो वो है लोको शेड वहाँ पे।
how Darjeeling used to look 100 years ago. And 1945 ka scene hai. एक साइक्लोन हुआ था 1899 में, फिर उसके बाद रिपेयर होगा, रिपेयर हुआ था. सो ये रहा थोड़े कुछ इंफॉर्मेशन. तो महात्मा गांधी भी आए थे ये ट्रैक्स में, देख ही सकते हो, विथ मार्क ट्वेन एंड मदर टेरेसा. अच्छा, टेकिंग व्लॉगिंग. या यू कैन से हाय. Hi, Brad. Yeah. So, ये कुछ information है. And I guess आप लोगों को देखने को भी मिलेगा joyride जो अभी आने वाला है. गुगी हमारे फोन थी के slow mo ने. ये रहा. लाइव भी आपको मैंने दिखा दिया है. और क्या चाहिए गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज. सो लाइव भी मैंने दिखा दिया है आपको. हाँ, सो गाइस आप लोग ने लाइव भी देख लिया है. और क्या चाहिए, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस. और एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड कमेंट. रिवर्स गियर. पूरा गैस निकल रहा है. ओह जैक वो भी जैक कोयला. ओह जैक गाइस देख ही सकते हो कोयले के साथ हो रहा है. लाइव में दिखा रही हूँ आपको. मैंने दूसरे साइड से शूट कर रही हूँ. सो ये एक्चुअली मॉडल जो है ट्रेन शूटिंग पर्पस के लिए है. सो देख ही सकते हो काफी डिफरेंट सीटिंग होता है. ठीक है, तो आप लोग ने शायद देखा होगा बहुत सारे फिल्म्स जो ट्रेन के अंदर शूट होता है तो ऐसे ही होता है मोस्टली सेटअप. या ये सो हम लोग वापस आ चुके हैं मैं रोड में. ओके, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन का भी टूर हो चुका है. अभी हम लोग मैल जाएंगे, वहाँ पे मामा मामी और मम्मी के साथ मुलाकात होगा. उसके बाद जो होगा प्लान आगे देखा जाएगा.
एक्चुअली 21 नवंबर को यहाँ पे जूनियर मैराथन होगा. सो दैट इज़ अ रीज़न यहाँ पे इतना बड़े स्क्रीन में उसका एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, जस्ट टू अवेयरनेस के लिए, दैट्स ऑल. या सो अभी हम लोग जाएंगे गोल्डन टिप्स, वहाँ पे मामी और मम्मी गए हैं कैटल खरीदने को. या सो दो गोल्डन टिप्स है यहाँ पे फिलहाल मेरे आंखों के सामने, तो दिस वन ओके एंड एक वो वहाँ पे आई थिंक या दैट वन आई शो यू नियर बाय. काफी चिल हो गया है अभी यहाँ पे. सो ये रहा एक गोल्डन टिप्स और वो रहा एक गोल्डन टिप्स वो, बट हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो क्या लिया है? लिविंग ले लिया है, चाय वो केटल लिया ना. केटल दिखाओ. केटल अभी अभी पैकिंग फाइनल पैकिंग हो गया है. वहाँ देखो वो सामने ही है जो छोटा वाला लाल वाला एंट्रेंस में. अच्छा सो एंट्रेंस में ही है इट सीम्स लाल वाला. लेट्स सी ओके आई गेस ये वाला लिया है मोस्ट प्रोबेबली ये वाला. ये रहा केटल्स. सो मॉम ने वो वाला लिया है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है. ये एंड स्ट्रेनर भी है. सो अभी हम लोग जाएंगे महाकाल मार्केट एंड ये रहा ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स एंड ये है रात का महल का व्यू. सब लोग खेल रहे हैं या तो देख रहे हैं, इसे जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, खुद का लाइक वाइब्स एंजॉय कर रहे हैं, ये वेदर क्लाइमेट सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है अपने ही मन से. सो दे आर हैविंग फन. सो ये रहा महाकाल मार्केट. तो ये मॉल मार्केट के जस्ट ऑपोजिट लेन में है. सो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है कम्पेयर टू दैट. या बट यहाँ पे जो स्टॉक एंड जो आइटम्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. सो या तो अभी हम लोग ऐसे ही जैकेट्स देख रहे हैं. देख सकती हो टिबेटन आर्ट्स में ये कितने सुंदर सुंदर एंटिक पीसेस है. यू कैन ऑलवेज विजिट दिस प्लेस इफ यू कम इफ यू गाइज कम टू दार्जिलिंग. कितने सुंदर इयर रिंग्स हैं यहाँ पे. एंटिक पीसेस भी कितने अच्छे हैं. ये नटराज भी काफी अच्छा लग रहा है. बुद्धा भी एंड यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बुद्धा गणेश. तो अभी शॉपिंग करके हो जाने के बाद वी केम टू दिस ओरा बाय वेले रेस्टोरेंट एंड काफ़ी सुंदर है. कल भी मैंने आपको दिखाया है ये लंबा सा रेस्टोरेंट. सो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर एंड यार दिस इज दी व्यू एम्बियंस ऑफ द रेस्टोरेंट. सो वी विल गो अपस्टेयर्स. सो ये एक्चुअली 5-star रेस्टोरेंट है एंड यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चलता है. देख ही सकते हो यहाँ पे स्नेक प्लांट है. यहाँ पे कितना अच्छे से सजा के दिया है एम्बियंस. सो
ये रहा वो लाइव म्यूजिक. यहाँ पे लाइव म्यूजिक हो रहा है, दिखाती हूँ आप लोगों को, देख भी सकते हो. टीवी भी चल रहा है, कार्यों का भी हो रहा है एंड की सिंगर सुना, काफी अच्छा लग रहा है ना. सो अभी मामी हमारा जो मेन्यू है वो फाइनलाइज कर रही है. सो हम लोग आज रोटी खाएंगे, रोटी इन जस्ट बटर नान एंड ग्रेवी खाएंगे. तो वेज ग्रेवी होगा और ये चिकन ग्रेवी होगा. सो लेट्स सी क्या होगा, ठीक है ना. आप लोगों के साथ डेफिनेटली हम शेयर करेंगे. And they're best. And they're getting more than 10.